हाय फ्रेंड्स, रेनू फूड ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। ये आज स्टार्ट करते हैं कुकिंग में आज हम बनाने जा रहे हैं सब मिक्स सब्जी, जिसमें हमने ले लिया है बैंगन कटा हुआ, सहजन और गाजर, गोभी, आलू सबको काट के पहले से हमने रख लिया है। अभी आज हम मिक्स बेस सब्जी बनाएंगे और फिर रखते हैं गैस पे कढ़ाई को गर्म होने देते हैं, फिर उसमें डालते हैं तीन से चार टेबल स्पून राई का तेल। उसमें डालने के बाद तेल हमारा गर्म हो जाएगा, उसमें हम डाल देंगे फिर कटा हुआ सहजन। उसके बाद हम डाल देंगे गोभी, थोड़ी थोड़ी सब्जी लिए हैं ताकि अच्छे से सब्जी हमारी अच्छे से बने। उसके बाद उसमें हम डाल देंगे कटा हुआ एक बैंगन अच्छे से। उसके बाद वो डालने के बाद डाल देंगे कटा हुआ एक आलू, फिर सबको। उसके बाद उसमें डाल देंगे हम कटा हुआ एक गाजर। गाजर डालने के बाद हम सबको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, कम से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से उसको हम फ्राई कर लें ताकि हमारी सब्ज़ी नरम हो जाए, अच्छे से बने, क्योंकि इसमें पानी नहीं डालना है। अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है। फ्राई हो गई है हमारी सब्ज़ी, अभी हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अच्छे से प्लेट में निकाल लेंगे, ये देखो अच्छे से फ्राई हो चुकी है। फ्रेंड्स, अगर घर में ज़्यादा सब्ज़ी हो, कोई 2-4 सब्जियां हो, तो अगर किसी दिन अलग सब्ज़ी खाने को मन करे तो ऐसे सब्ज़ी मिक्स बना सकते हैं, थोड़ा थोड़ा लेके अच्छी सब्ज़ी बनती है। अभी हमारी सब्ज़ी हो गई है तल के, अभी इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में निकाल के रख लेंगे। उसके बाद रखने के बाद उसी कढ़ाई में हम वापस से तेल डाल देंगे, 3 से 4 टेबल स्पून तेल डाल देंगे। फिर तेल को हम अच्छी तरह से गरम होने देंगे। गरम होने के बाद उसमें फिर हम डालेंगे, तेल हमारा गरम हो जाएगा, उसके बाद हम उसमें डाल देंगे आधा टेबल स्पून जीरा। जीरा तड़कने के बाद फिर उसमें 3 से 4 पत्ती कड़ी पत्ता डाल देंगे। कड़ी पत्ता हमारा तड़क जाएगा, उसके बाद हम उसमें कटा हुआ एक प्याज डाल देंगे, बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, ताकि अच्छे से हमारा प्याज फ्राई हो जाएगा। फ्राई होने के बाद उसमें हम फिर डाल देंगे, अच्छे से फ्राई होने देंगे डार्क ब्राउन होने के बाद फिर अब हमारा प्याज अच्छे से रेडी हो गया है डार्क ब्राउन होके। उसके बाद हम डाल देंगे अब इसमें हम डाल देंगे लहसुन, अदरक, मिर्ची का पेस्ट। पेस्ट डालने के बाद उसको हम अच्छी तरह से चला देंगे। उसके बाद हम डाल देंगे आधा टेबल स्पून हल्दी पाउडर, आधा टेबल स्पून इसमें फिर गरम मसाला डालने के बाद फिर इसमें आधा टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर डाल देंगे। डालने के बाद अच्छे से इसको हम फ्राई करेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से पक जाए। 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इसको हम मसाले को भून लेंगे। भूनने के बाद इसको ऐसे थोड़ा टाइम छोड़ देंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से पक जाए। देखो हमारा मसाला अभी पक के रेडी हो गया है। अभी इसमें हम डाल देंगे एक कटा हुआ बारीक टमाटर। टमाटर को भी डाल के इसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे ताकि हमारा टमाटर अच्छे से गल जाए इसमें। अभी हमारा टमाटर गल के रेडी हो गया है। अभी इसमें हम देखो अच्छी तरह से हमारा मसाला पक गया है ना। अभी इस मसाला पकने के बाद अभी जो हम पहले से सब सब्जियां फ्राई करके रखे थे, अभी हम इसको भी डाल के अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। मिक्स करके अच्छे से थोड़ी देर दो से ढाई मिनट तक या 3 मिनट तक इसको हम फ्राई कर लेंगे ताकि हमारा सब्जी में मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके मिक्स होने के बाद फिर अभी इसमें हम डाल देंगे थोड़ा से 1 कप तक पानी डालेंगे तो नमक डालने के बाद। अभी हम इसमें 1 टेबल स्पून नमक डाल देते हैं, आप भी अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हैं। अभी नमक डालने के बाद इसको हम थोड़ा चला देते हैं, अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं, मिक्स हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें थोड़ा से 1 कप पानी डाल देंगे बस, ताकि हमारी सब्जी अच्छे से इसमें पक जाए। थोड़ा से ही पानी डालना है, एकदम कम, और फिर इसको 5 से 7 मिनट तक ढक के
स्लो फ्लेम कर देंगे और ढक के इसको गैस पे छोड़ देंगे। देखो हमारी सब्ज़ी अभी पक के रेडी हो चुकी है, नहीं ज़्यादा जूस है नहीं ज़्यादा इसमें, कम ग्रेवी वाला ही बनाए तो अच्छा लगता है सब्ज़ी, क्योंकि सूखी रहेगी तो सब सब्ज़ियाँ का टेस्ट आता है, नहीं तो पानी पानी होता है। और अभी हमारी सब्ज़ी पक के रेडी हो गई, अभी हम इसमें डाल देंगे हरी धनिया बारीक कटा हुआ और उसके बाद इसको हम गैस को बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद इसको नीचे रख देंगे। फ्रेंड्स, हमारी सब्ज़ी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।